ठीक है, तो यही यहाँ पर यही बताया गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से लोग हैं जो लेते हैं लोन और फॉर्मल में कौन कौन से हैं। ठीक है, वहीं आपकी इस बुक में जो कॉपी में लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, ये हमें पे क्वेश्चन बन सकता है, वाई डू पुअर हाउस होल्ड बोरो करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं मांगते, तो इसीलिए वो इजीली उन्हीं के पास चले जाते हैं। अगर फॉर्मल सेक्टर जो है वो इस चीज़ को इंक्रीज करना चाहता है, उस चीज़ को इंक्रीज करना चाहता है, दैट एवरीवन रिसीव, गांव में अगर वो लेके जा रहा है इस चीज़ को कि हाँ सबको लोन मिल सके, सबको बैंक वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पर कह रहे एवरीवन रिसीव करे इस लोन को, यानी कि जो बड़े लोग हैं उन्हीं को मिले, छोटों को नहीं मिले। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द पुअर, मतलब इसमें खुद में अब देखने को मिल रहा है कि खुद की हेल्प करना। तो वहीं पर एक जो है एक संस्था बनाई गई है कि खुद की हेल्प करना, कलेक्ट देयर सेविंग, टिपिकली ऐसे 15-20 लोग मेंबर इसके अंदर ऐड होते हैं, चाहे वो आस पड़ास के लोग होते हैं, ठीक है, नेबरहुड्स होते हैं जो डेली मिलते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो हर रोज सेव करते हैं 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, तो ऐसे वो रेगुलरली सेव करते हैं, पर मेंबर करते हैं, ठीक है, 25 रुपये लेके 100 रुपये तक, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी को लेके वो क्या करते हैं कि अगर मान लो किसी बंदे को जरूरत हो, अगर मान लो 5 बंदे किसी को भी जरूरत हो सकती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो जाके वहां से पैसे ले सकते हैं, बाद में कम इंटरेस्ट में उन्हें वापस करने पड़ सकता है। तो यही सब चीजें हैं जो ग्रुप मेंबर होता है वो इस चीज को लेकर डिस्कशन करता है। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का दिया हुआ है जिनका नाम था मोहम्मद यमनंस, तो उनके बारे में एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर बुक से पढ़ेंगे तो इजीली समझ आएगा आपको। ग्रामीण इसमें है बैंक ऑफ बांग्लादेश जो यहाँ पर है, उन्होंने बहुत कम 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था 14 में, और उसके बाद जो है कितने पैसे उन्होंने मेंबर्स उनके जुड़ गए थे 8.63 मिलियंस, और उन्होंने अबाउट 81,000 जो है विलेजेस को स्प्रेड किया, आपस में मिलाया, और इन्हीं को इस चीज़ के मतलब देखें कितने ग्राउंड लेवल पर उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था और कितना बड़ा उन्होंने इस चीज़ को बना दिया, प्रोजेक्ट को बना दिया। ठीक है, तो प्रोफेसर जो थे ये इनको फाउंड इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला गया था 2016 के अंदर। तो एक देखा गया कि ग्राउंड